तो रेखा और कोण का तीन लेक्चर हो गया है, वहां तक आप लोग रिवीजन करिए। क्लास के बाद एक प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा रेखा और कोण का। तो जैसा कि मैंने पहले ही बनाया शेड्यूल, शुक्रवार शनिवार रविवार को मैं ज्योमेट्री की क्लास लूंगा, तो आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उस पर काम करेंगे। और भी पढ़ाऊंगा नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज वगैरह पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ और प्रश्न कराऊंगा रेखा और कोण के। तो एक प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा रेखा और कोण का, उस प्रैक्टिस शीट को आप लोग लगाएंगे। आज शाम तक वो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोग का बना होगा उसमें डल जाएगा वो। तो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। रेखा और कोण का लगभग मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़े से हटकर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर बातचीत करेंगे अपन। लेकिन शुक्रवार शनिवार रविवार को ही ज्योमेट्री वाला सेक्शन पे काम करेंगे अपन, और हो सकता है कि रविवार को थोड़ा सा लंबा क्लास भी लूंगा मैं। चलिए तो अपन अब स्टार्ट करेंगे, जो और भी चैप्टर्स हैं उसमें औसत का चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपन। औसत, एवरेज बोलते हैं इसको। दो प्रश्न मान के चलिए आपको यहां से मिलेगा ही, दो प्रश्न मिनिमम मान के चलिए, मिनिमम दो प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। तो मिनिमम दो प्रश्न आपको यहां से मिलेगा ये मान के चलिए। नोटिस बोर्ड में एक लिंक डलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जल्द ही आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा या फिर बन गया होगा, एक बार नोटिस बोर्ड को चेक कर लीजिएगा। नोटिस बोर्ड में एक लिंक डलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो शुक्रवार शनिवार रविवार को मैंने तीन दिन ज्योमेट्री की क्लास का प्लान किया था। रेखा और कोण मैंने लगभग पूरा पढ़ा दिया है, कुछ प्रश्न और थोड़े से अलग प्रकार के कराने हैं, उन प्रश्नों पे आगे चल के बातचीत करूंगा मैं। अब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, इन चार दिनों में अपन कोशिश करेंगे कि औसत का चैप्टर पूरा पढ़ लें अपन, औसत का पूरा चैप्टर अपन पढ़ ले इन चार दिनों में, सोम मंगल बुध गुरु, इन चार दिनों में औसत का चैप्टर को पूरा पढ़ ले। तो इन चार चार दिनों में अपन इधर एक एक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, और शुक्रवार शनिवार रविवार को ज्योमेट्री की क्लास मैंने प्लान की है। ऐसे करके दो महीने तक बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से आपका जो सिलेबस लिखा है वो पूरा हो जाएगा। विमला बात कर लेंगे, विमला बात कर लेंगे, एक आध दो प्रश्न जो आपको डाउट रह गया उस दिन के प्रश्न में उस पर बात कर लेंगे अपन। फिलहाल अपन औसत स्टार्ट करते हैं। चलिए तैयार हैं सभी लोग, दो प्रश्न आएगा और ये सब पढ़ना है भाई अच्छी से, ऐसा नहीं कि केवल ज्योमेट्री पढ़ना है, क्योंकि बचे चैप्टर्स जो हैं उसमें 12 से 13 प्रश्न आपको दिखेंगे। तो औसत का चैप्टर से दो प्रश्न आपको दिखाई देगा मिनिमम, मान के चलिए मिनिमम दो प्रश्न आएगा यहां से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं औसत, बहुत आसानी से बनेगा औसत का चैप्टर, बहुत आसान है। मतलब अगर आपको समझ में आया ना तो इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के नाम पे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा, कैलकुलेशन के नाम पे इसमें नहीं के बराबर कैलकुलेशन है, ऐसा लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं आएगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट कैलकुलेशन आएगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। अपूर्व क्या हो गया, अटेंड नहीं किए थे क्या क्लास को, जो क्लासेस हुई थी तीन दिन अभी उसको अटेंड नहीं किए थे क्या? बहुत आराम से पढ़ाया हूं, अलग अलग रेखा अलग अलग कोड के बारे में, तो वो आराम से बनना चाहिए था। ठीक है ना, रिवाइज करा दूंगा मैं, चिंता मत करिए। जो चैप्टर्स आपको पढ़ाया हूं ना, लास्ट में बोला हूं ना एमसीक्यूज कराऊंगा, पांच पांच तीन तीन चार चार ऐसे चैप्टर्स को मर्ज कर करके एमसीक्यूज कराऊंगा, वहां पूरा रिविजन हो जाएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा, कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। मैं लास्ट में ऐसा मर्ज कर करके दो चैप्टर को, तीन चैप्टर को, चार चैप्टर, पांच चैप्टर ऐसे मर्ज कर करके एमसीक्यूज कराऊंगा, तो वहां पर पूरा रिविजन हो जाएगा आपका, रिविजन का चिंता मत करो, पूरा कराऊंगा मैं, क्योंकि दो महीने तक पूरी क्लास लूंगा मैं। निर्मला नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, पीडीएफ जो मिला है उसको देख के या फिर रिकॉर्डिंग्स को देख के नोट्स बना लीजिएगा भाई। चलिए औसत स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, बहुत आसान चैप्टर है। अगले आधे घंटे में केवल मैं आपको समझाऊंगा कि औसत एक्चुअल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि औसत को समझ गए ना कि औसत एक्चुअल में होता क्या है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने औसत को समझ लिया कि बहुत ही आराम से अगर आपने औसत को दिमाग में बैठा लिया है तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर दिखाई देगा। औसत क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी, फॉर्मूला क्या है इसका, चर्चा करते हैं। चलिए चलिए अब ध्यान दीजिए यहां पर, सबसे पहले औसत का फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, औसत का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या।
सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या भी बोलते हैं इसको, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या भी बोलते हैं, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसी को सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या भी बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ परिमाण मैं आपके सामने लिखता हूं, 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ परिमाण मैं आपके सामने लिखा, इनका औसत निकालने बोला मैं आपको, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे आप, तो आप लिख देंगे सभी परिमाणों का योग, तो जितने भी परिमाण आपको दिखाई दे रहे हैं सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, तो सभी परिमाणों का योग कितना, 30, 30/5, औसत कितना हो जाएगा 6। तो औसत क्या होता है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, तो जितने भी परिमाण आपको दिए गए हैं उन परिमाणों का योग निकालो बटे परिमाणों की संख्या करो, तो 30/5 यानी कि औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा सर कि इतना सब तामझाम क्यों किए, हमको तो और आसान तरीका पता है। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि सर 2 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 12/2, औसत 6 आ जाएगा। कुछ लोगों के मन में ऐसा चल रहा होगा कि सर आप इतना लेंदी किए, हमारे को और आसान तरीका पता है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6, औसत हो गया 6। कुछ और बुद्धिमान लोग होंगे, वो बोलेंगे सर हम तो इतना भी नहीं किए, हम तो सीधे बीच वाले पद को ही औसत बोल दिए। कुछ और बुद्धिमान जो होंगे वो सीधे बोलेंगे कि सर हम तो बीच वाले पद यानी 6 को ही औसत बोल दिए। तो ये बताऊंगा आगे चल के कि ऐसा कब करते हैं, हर जगह पे नहीं होता ये, तो कब होता है और क्यों होता है इस पे आगे चल के बात करूंगा, और ये भी हर जगह पर संभव नहीं है, तो कब ऐसा होगा और क्यों ऐसा होगा इस पे आगे चलकर पूरी बातचीत करूंगा मैं कि ये कब होता है और क्यों होता है। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे दो, औसत मिल जाएगा, ये होता है, लेकिन हर जगह पे नहीं होता है। कब होता है, क्यों होता है, इस पे बातचीत करूंगा मैं। बीच वाले पद को सीधे औसत बोल दो, तो बीच वाले पद को सीधे औसत बोल दो, ये भी कब होता है, क्यों होता है, इस पे बातचीत करूंगा मैं। फिलहाल आप लोग इतना समझिए, औसत मतलब सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। फिलहाल के लिए औसत का मतलब आप ये समझेंगे, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों का योग, जितने भी परिमाण आपको दिए गए हैं उन परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या किया, औसत क्या मिला, 6। इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, आगे चल के पूरा समझाऊंगा भाई। माध्यिका वगैरह का कंसेप्ट आपको समझना होगा यहाँ पे। माध्यिका मतलब मीडियन, आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि बीच वाले पद को औसत क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं। समांतर श्रेणी को आप समझेंगे, समांतर श्रेणी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप समझेंगे, तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, ये औसत कब होता है, क्यों होता है। तो आगे चलकर बातचीत करेंगे, जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है बहुत ज्यादा इसमें अभी दिमाग मत लगाइए, अभी केवल इतना समझिए कि औसत का फॉर्मूला, औसत का जो सूत्र है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, इसी को सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या बोलते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये परिमाण दिए गए थे, आपने औसत बता दिया सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या करके। ये तो हो गया फॉर्मूला जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। बात करते हैं कि औसत एक्चुअल में होता क्या है, औसत की परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आएगी। औसत एक्चुअल में क्या होता है, किसको बोलते हैं औसत, तो एक्चुअल में औसत बोलते किसको है, औसत की परिभाषा पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, मान लीजिए एक परिवार में 3 सदस्य हैं, ध्यान से समझेंगे, एक परिवार में 3 सदस्य हैं ABC, तो एक परिवार में 3 सदस्य हैं ABC, ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया और सी के पास है 15 रुपया। ध्यान से समझना, ए के पास 5 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है और सी के पास 15 रुपया है। औसत क्या बोलता है, औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर, औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, तो जोड़ दिया मैं,
औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, तो सभी मानों को जोड़कर, तो सभी मानों को जोड़ दिया, तो सभी मानों को जोड़ने पर क्या आया, 5 + 10 + 15, तो सभी मानों को जोड़कर, तो सभी मानों को जोड़ा तो क्या आया 30, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो सभी मानों को जोड़ा तो 30 आया, 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटूंगा, तो ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 10, सी को मिलेगा 10। यही बराबर वाला जो हिस्सा है ना, ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या कहलाता है, औसत। ये जो बराबर वाला हिस्सा है, ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या कहलाता है, औसत। तो औसत क्या होता है, सभी मानों को जोड़कर, औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, तो सभी मानों को जोड़ा, तो सभी मानों को जोड़ने पर क्या आया, तो 5, 10 और 15, सभी मानों को जोड़ा तो सभी मानों को जोड़ने पर क्या आया 30, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, तो 30 रुपए को इन तीनों में बराबर बराबर बांटा, तो ए को मिलेगा 10, बी को मिलेगा 10 और सी को मिलेगा 10। ये बराबर वाला हिस्सा ही है औसत कहलाएगा, ये बराबर वाला हिस्सा ही औसत कहलाएगा। तो औसत का मतलब मैंने क्या बोला, बराबर वाला हिस्सा, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं। देखो औसत, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, sum of all the observations divided by number of observations। मैंने कुछ परिमाण लिए, 2, 4, 6, 8, 10, इनका औसत निकालने बोला, तो आपने परिभाषा मतलब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सभी परिमाणों का योग किया, डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या, तो औसत क्या मिला, आपको 6 मिला। कुछ लोग ऐसा किए होंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो, कुछ लोग बीच वाले पद को ही औसत बोले होंगे अपने मन में, तो हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। कब होगा, क्यों होगा, आगे चल के बात करेंगे, कब होगा क्यों होगा आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आपके पास एक ही फॉर्मूला है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, फिलहाल एक ही फॉर्मूला है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब मैंने बोला औसत एक्चुअल में होता क्या है, परिभाषा क्या है औसत की। तो आपने क्या बोला, ए के पास 5 रुपया है सर, बी के पास 10 रुपया है, सी के पास 15 रुपया है। औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, तो सभी मानों को जोड़ा तो क्या आया 30, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। वो बराबर वाला हिस्सा, ये देखो एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, दिमाग में बैठा लो, ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या है, औसत। ये बराबर वाला हिस्सा, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटो, ये बराबर वाला हिस्सा ही औसत है। यहां तक समझ आया, इसमें वापस से आएंगे अपन, इसमें वापस से अपन आएंगे। यहां तक समझ आया भाई, इसमें वापस से अपन आएंगे परिभाषा पे। ओंकार, परिमाण और परिणाम, इसमें कंफ्यूज मत हो भाई, परिमाण और परिणाम, परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, और परिमाण का मतलब कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ डेटा मैं आपको दे दिया उसको परिमाण बोल रहा हूं। परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, जो परिणाम निकलता है, समझ आ रहा। जैसे इन परिमाणों का औसत क्या निकला, 6 निकला, रिजल्ट क्या निकला, 6 निकला। तो परिमाण का मतलब ऑब्जर्वेशंस, जो डेटास मैं आपको दे दूंगा उसका औसत निकालो, तो जो औसत निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, परिणाम बोलेंगे आप। तो इसमें परेशान मत हो, परिमाण को आप पद भी बोल सकते हो, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या ऐसा भी बोल सकते हो, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स ऐसा भी बोल सकते हो। लाइन और एंगल के बारे में मैंने बोला ना, शुक्रवार शनिवार रविवार को पढ़ाऊंगा बस ज्योमेट्री को, ये मैंने बोला था शुक्रवार शनिवार रविवार को ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। और लाइन एंड एंगल के कुछ और प्रश्न बचे हैं, नियमित बहुभुज बताऊंगा, जब तक जितना पढ़ाया है मैंने उसको प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं, सॉल्व करते रहना आप, नोट्स को पढ़ते रहना। शुक्र शनि रवि को ही ज्योमेट्री चलेगा, बाकी बचे 4 दिन में एक एक चैप्टर को अपन निपटाएंगे, औसत 4 दिन में, फिर प्रतिशत 4 दिन में, लाभ हानि 4 दिन में, ऐसे करके जो और चैप्टर है उनको अपन 4-4 दिन का टारगेट लेके निपटाएंगे अपन। ये मैंने आपको बताया था पूरा प्लान, हो गया यहां तक। तो औसत का
फॉर्मूला औसत की परिभाषा, बराबर वाला हिस्सा ही औसत होगा। याद करो बार बार एकदम दिमाग में बैठाओ कि सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, जो बराबर वाला हिस्सा, जो बराबर वाला हिस्सा होगा, ये जो बराबर वाला हिस्सा है यही कहलाएगा औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं, तीन लड़के हैं एबीसी, एबीसी ये तीन लड़के हैं, एबीसी ये तीन लड़के हैं। ए का भार है 40 किलोग्राम, बी का भार है 50 किलोग्राम और सी का भार है 60 किलोग्राम। एबीसी तीन लड़के हैं, ए का भार 40 किलोग्राम, बी का भार 50 किलोग्राम और सी का भार 60 किलोग्राम। मैं बोला तीनों लड़कों का औसत भार बताओ, तीनों लड़कों का औसत भार बताओ। जल्दी से कमेंट करो तो क्या आएगा, तीनों लड़कों का औसत भार क्या आएगा। तीन लड़के हैं एबीसी, ए का भार है 40 किलोग्राम, बी का भार है 50 किलोग्राम और सी का भार है 60 किलोग्राम। मैंने बोला तीनों लड़कों का औसत भार बताओ, तो तीनों लड़कों का औसत भार क्या आएगा, 50 किलोग्राम। बहुत आसान है, ये देखो औसत भार कैसे निकालोगे। अब देखो औसत भार तो परिमाण क्या हो जाएंगे, परिमाण ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार डिवाइड बाय 3। औसत भार निकाल रहे हो ना, एवरेज वेट निकाल रहे हो, तो परिमाण क्या हो जाएंगे। तीन लड़के हैं, तीनों का औसत भार बताना है, तो परिमाण क्या हो जाएंगे, ए का भार, बी का भार, सी का भार, ये हो जाएंगे परिमाण। तो परिमाण क्या हो गया, ए का भार, बी का भार, सी का भार, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों का योग, ये देखिए सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, तो 150/3 कितना आ जाएगा, 50 किलोग्राम आ जाएगा। आराम से आप बता सकते हैं, तीनों लड़कों का औसत भार, तो तीनों लड़कों का औसत भार, तो ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार डिवाइड बाई 3, तो 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 3, 150/3 यानी कितना आएगा, 50 किलोग्राम आएगा। एक और उदाहरण मैं लेता हूं, इस बार मैं बोला तीन लड़कियां हैं एबीसी, इस बार मैं बोला तीन लड़कियां हैं एबीसी, ध्यान से समझते चलो, तीन लड़कियां हैं एबीसी। इस बार मैं तीन लड़कियों का औसत भार आपको खुद से दे दिया, इस बार मैं क्या किया, तीन लड़कियों का औसत भार खुद से दे दिया 40 किलोग्राम, खुद से मैं तीन लड़कियों का औसत भार दे दिया 40 किलोग्राम। तो यहां पर आप क्या करेंगे, औसत भार इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, औसत भार इक्वल टू लिखेंगे ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार डिवाइड बाई 3। औसत भार क्या लिखेंगे भाई, सभी परिमाणों का योग, तो परिमाण क्या है, ए का भार, बी का भार, सी का भार, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। औसत भार कितना दिया है प्रश्न में आपको, तो औसत भार कितना दिया है 40, औसत भार 40 दिया है, तो औसत भार अगर आपको 40 दिया है तो यहां से आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 40 का 3 में गुणा कर दीजिए, तो 40 का 3 में गुणा करेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिलेगा, 120 किलोग्राम। और ये a प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा है, ये बता रहा है तीनों लड़कियों का कुल भार, तीनों लड़कियों का कुल भार, तीनों लड़कियों का कुल भार बता रहा है। ध्यान से समझिए, जब आपको इंडिविजुअल भार दिया, मतलब अलग अलग भार दिया, जब आपको अलग अलग भार दिया तो आपसे क्या पूछ लिया, वो औसत भार, और जब आपको औसत भार वो खुद से दिया तो आपने क्या फाइंड किया, कुल भार फाइंड किया। कहने का मतलब जब इंडिविजुअल भार देगा, अलग अलग भार देगा, तो आप क्या बता दोगे, औसत भार, और जब आपको औसत भार देगा तो आप क्या बता दोगे, कुल भार। कैसे बताए, तो आपने बोला तीन लड़कियां हैं सर एबीसी, इनका औसत भार 40 किलोग्राम है, तो औसत भार के बारे में आप जानते क्या हैं, ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार डिवाइड बाई 3। औसत भार कितना, 40, औसत भार के प्लेस पे 40 लिखा, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 40 इंटू 3 यानी कि 120। और ये a प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा है, a मतलब a का भार, b मतलब b का भार, c मतलब c का भार, जोड़ दिया तीनों को, मतलब तीनों लड़कियों का कुल भार कितना, 120 किलोग्राम। तो जब इंडिविजुअल भार देगा तो आप औसत भार बता सकते हैं, और जब औसत भार देगा तो आप कुल भार बता सकते हैं, लेकिन कुल भार आपको इतना सब तरीके से नहीं बताना है, कुल भार इतना सब लेंदी तरीके से नहीं बताना है।
ये कुल भार जब आप बताएंगे ना तो इतना लेंदी तरीके से कुल भार आपको नहीं बताना है। कुल भार कैसे बताएंगे, परिभाषा को याद करो, परिभाषा पे कॉन्सेंट्रेट करो पूरा। चलो परिभाषा पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। क्या बताया मैंने परिभाषा, ध्यान से देखो परिभाषा मैंने क्या बताई, ए के पास 5 रुपया था, बी के पास 10 रुपया था, सी के पास 15 रुपया था, तो मैंने क्या बोला सभी मानों को जोड़कर, औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये जो बराबर वाला हिस्सा है, ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या कहलाएगा, औसत। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए, वो जो बराबर वाला हिस्सा है वही औसत होता है। तो यहां पर अगर मैंने बोला कि 3 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 3 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो 3 लड़कियां रही होंगी, उनका कुछ कुछ भार होगा मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया होगा तीनों का टोटल किया होगा, और इस टोटल को मैं उन तीनों में बराबर बराबर बांटा होऊंगा, तो वो बराबर वाला हिस्सा कितना है, 40 है। औसत भार 40 है, मतलब वो बराबर वाला हिस्सा कितना है, 40। ये देखो ना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, बराबर वाला हिस्सा ही कहलाता है औसत। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटिए, ये बराबर वाला हिस्सा ही औसत कहलाता है। तो अगर मैं बोला 3 लड़कियों का औसत भार 40 है, इसका मतलब ये बराबर वाला हिस्सा मैंने आपको दे दिया 40। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 3 लड़कियां हैं, तीनों का कुछ कुछ भार रहा होगा, मेरे को नहीं पता तीनों का भार क्या क्या रहा होगा, मैंने तीनों का टोटल किया होगा, फिलहाल मेरे को टोटल भी नहीं पता। इस टोटल को उन 3 लड़कियों में बराबर बराबर बांटे होंगे, इस टोटल को उन 3 लड़कियों में बराबर बराबर बांटे होंगे, तो प्रत्येक लड़की को मिला होगा 40, 40 और 40। तो टोटल सीधे बताऊंगा मैं, कैसे बताऊंगा, 40 × 3 मतलब कितना, 120 किलोग्राम। आपको इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप टोटल सीधे बताना, 3 लड़कियां हैं, तीनों का मुझे अलग अलग भार नहीं पता, तीनों का टोटल क्या होगा, फिलहाल मुझे टोटल भी नहीं पता, इस टोटल को जब उन 3 लड़कियों में बराबर बराबर बांटा तो प्रत्येक को मिला 40, 40, 40। औसत भार 40 का मतलब वो बराबर वाला हिस्सा 40, 40, 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 × 3 120। लेकिन अलग अलग किस लड़की का भार कितना है मुझे नहीं पता, मुझे केवल यह पता है कि तीनों का टोटल भार कितना आएगा, 120 आएगा। मुझे केवल यह पता है कि तीनों का टोटल भार 120 आएगा। एक बार एक खास बात समझा रहा हूं, समझ लो पूरे चैप्टर में काम आएगा। देखो ये जो टोटल है ना, ध्यान से देखना, ये जो टोटल है ना, इस टोटल को बताने का 2 तरीका है, ये जो टोटल है इस टोटल को बताने का 2 तरीका, ध्यान से समझना, इस टोटल को बताने का 2 तरीका है। 2 तरीका क्या है, या तो आप ये बता दो मेरे को कि ए के पास कितना रुपया, बी के पास कितना रुपया, सी के पास कितना रुपया, तीनों के पास मुझे बता दो अलग अलग कितना कितना रुपया है, तो मैं टोटल बता दूंगा कितना, 30। एकदम सिंपल सी बात, ये जो टोटल है ना, इस टोटल को बताने का 2 तरीका। पहला तरीका यह है कि आप मुझे ये बता दो कि अलग अलग किस व्यक्ति के पास कितना रुपया है, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 15 रुपया, तो मैं टोटल बता दूंगा कितना, 30, 5, 10 और 15 को जोड़ करके। लेकिन यह जानकारी आपको प्रश्न में नहीं देगा, ये जानकारी आपको प्रश्न में नहीं देगा, अलग अलग किसके पास कितना कितना रुपया नहीं बताएगा, तो ये जानकारी आपको प्रश्न में नहीं देगा, इस जानकारी को छुपा रहा हूं मैं। तो दूसरा तरीका टोटल बताने का क्या है, तो दूसरा तरीका टोटल बताने का यह है कि आप मुझे बता दो औसत कितना है तीनों का, मुझे तीनों के पास बता दो औसतन कितना रुपया है। तो आपने मुझे बताया कि तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, आपने मुझे बताया तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब आपने मुझे ये बराबर वाला हिस्सा बता दिया कितना, 10, 10 और 10। आपने मुझे औसत बताया तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा आपने मुझे बताया, अगर ये बराबर वाला हिस्सा आपने मुझे बताया 10, 10 और 10, तो मैं टोटल बता दूंगा कितना, 10 × 3 मतलब कितना, 30। लेकिन इस स्थिति में मैं अलग अलग किसके पास एक्चुअल में कितना रुपया नहीं बता पाऊंगा। एकदम सिंपल सी बात, अगर मैं केवल आपको ये 10, 10, 10 दिखाऊं, अगर मैं केवल आपको ये 10, 10, 10 दिखाऊं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। एकदम सिंपल सी बात, अगर मैं आपको 10, 10, 10 दिखाऊं तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। लेकिन एक्चुअल में किसके पास कितना रुपया थोड़ी मुझे जानकारी रहेगी इसकी, ये सब जानकारी छुपा दिया, मैं केवल आपको 10, 10, 10 दिखा रहा हूं। अगर मैं आपको केवल ये 10, 10, 10 दिखाऊंगा तो आप टोटल कितना बताओगे, 30। लेकिन एक्चुअल में किसके पास कितना रुपया मुझे नहीं पता।
तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये टोटल निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप मुझे ये बता दो कि ए के पास कितना रुपया, बी के पास कितना रुपया, सी के पास कितना रुपया, तो मैं टोटल बता दूंगा 30 रुपया, टोटल बता दूंगा मैं 30 रुपया। लेकिन जनरली प्रश्न में आपको ऐसी जानकारी नहीं दी रहेगी, प्रश्न में आपको क्या दिया रहेगा, औसत। तो मैं आपको बता दिया तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब टोटल को जब तीनों में बांटा होगा तो ये बराबर वाला हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। ये बराबर वाला हिस्सा अगर मैं आपको बताया तो आप टोटल बता दोगे कितना, 30, लेकिन एक्चुअल में किसके पास कितना रुपया नहीं बता पाओगे। वही चीज यहां पर हो रही है। तीन लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, इसका मतलब आप मुझे ये बराबर वाला हिस्सा बता रहे हो 40 40 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 120, लेकिन एक्चुअल में किसका भार कितना मैं नहीं बता सकता। मैं केवल ये बता सकता हूं कि तीनों का टोटल भार कितना है, 120 किलोग्राम। अगर मैंने बोला 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो यहां से आप क्या बता दोगे, यहां से आप बताओगे सर 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है, 50 50 50 है, कितने लड़के हैं 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 × 10 500, लेकिन अलग अलग किसका भार कितना मुझे नहीं पता। मैं केवल ये बता पाऊंगा कि 10 लड़कों का कुल भार कितना होगा, तो मैं ये बता दूंगा सर कितना होगा 50 × 10 500 किलोग्राम होगा, लेकिन अलग अलग किस लड़के का भार कितना होगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा, केवल मैं टोटल बता पाऊंगा 500। समझ आ रहा है क्या हुआ होगा, 10 लड़के रहे होंगे सर, इस प्रकार से इन 10 लड़कों का टोटल भार कुछ रहा होगा, इस टोटल को मैं उन 10 लड़कों में बराबर बराबर बांटा होगा, तो प्रत्येक को कितना कितना मिला होगा 50 50, औसत 50 बोलने का मतलब वो बराबर वाला हिस्सा 50, कितने लड़के हैं 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 × 10 मतलब 500। तो टोटल को निकालने का दो तरीका, या तो आप मुझे 10 लड़कों का अलग अलग भार बता दो, मैं टोटल बता दूंगा, जो कि प्रश्न में बिल्कुल नहीं बताएगा। प्रश्न में आपको क्या बताएगा, औसत, अगर औसत बता रहा है मतलब बराबर वाला हिस्सा मुझे बता रहा है, तो बराबर वाला हिस्सा 50 है, तो टोटल कितना 500। एकदम सिंपल सा है, इसको रट डालो, दिमाग में बैठा लो एकदम, क्योंकि सेकेंड वेराइटी के जो प्रश्न आएंगे, जो कि मेनली पूछे जाते हैं, उसमें यही करना है आपको। अगर मैं बोला ये टोटल है, इस टोटल को निकालने का दो तरीका, तो दिमाग में चल रहा है कि सर आप पहले ये बता दो ए के पास कितना रुपया, बी के पास कितना रुपया, सी के पास कितना रुपया, तीनों को जोड़ के मैं टोटल बता दूंगा, जो कि कभी बताएगा नहीं प्रश्न में, आपको बताएगा तीनों के पास औसतन 10 रुपया है। औसतन 10 रुपया बोलने का मतलब टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटे तो वो बराबर वाला हिस्सा बता रहा है 10 10 और 10, तो टोटल हो जाएगा 10 × 3 मतलब 30, लेकिन एक्चुअल में ए के पास कितना नहीं पता, बी के पास कितना नहीं पता, सी के पास कितना नहीं पता। वही चीज यहां पर हुई कि तीन लड़कियां हैं जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है, तीन लड़कियों का औसत भार 40 मतलब वो बराबर वाला हिस्सा तीनों का टोटल किया गया होगा, टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटा गया होगा, तो वो बराबर वाला हिस्सा आपको प्रश्न में दे दिया 40 40 40, तो टोटल कितना 120, लेकिन एक्चुअल में किस लड़की का भार कितना मुझे नहीं पता। 10 लड़कों का भार औसत में दिया है 50 किलोग्राम, औसत भार 50 मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है 50 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 × 10 मतलब 500। अगर मैं बोला मान लीजिए 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों की औसत आयु, 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 20 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो टोटल को जब बराबर बराबर बांटे होंगे तो प्रत्येक लड़की को कितना कितना मिला होगा 30 30 मिला होगा, तो टोटल आप बता सकते हैं यहां से कि 20 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो आप यहां से बता सकते हैं कि 20 लड़कियों की कुल आयु 30 × 20 यानी कि 600 वर्ष। मुझे उन 20 लड़कियों की अलग अलग आयु नहीं पता, लेकिन यह पता है कि उन 20 लड़कियों की टोटल आयु कितनी होगी 600। उन 20 लड़कियों की अलग अलग आयु नहीं पता, लेकिन उन 20 लड़कियों की टोटल आयु कितनी होगी 600। मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 10 मैच में औसत रन 80 है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जिसका 10 मैच में औसत रन 80 है, औसत 80 का मतलब प्रत्येक मैच में कितना कितना दे दो 80 80 दे दो,
तो आप बता सकते हैं 10 मैच में उस क्रिकेट खिलाड़ी का कुल रन कितना हो जाएगा, 80 × 10 मतलब 800, लेकिन अलग अलग मैच में कितना बनाया मुझे नहीं पता, 10 मैच में टोटल रन कितना है इसका, 800 है। तो जैसे ही मैं औसत बोलूंगा ना, बराबर वाला हिस्सा दे दिया, 10 लड़कों का औसत भार 50 मतलब बराबर वाला हिस्सा क्या है, 50-50 है, टोटल कितना 500। 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है, 30-30 है, तो टोटल कितना 30 × 20 मतलब 600। 10 मैच में औसत रन 80 है मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है, 80-80 है, तो टोटल कितना 80 × 10 मतलब 800। तो दिमाग में बैठा लो कि औसत का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा, औसत का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा। समझ आया औसत एक्चुअल में क्या होता है, बोलो भाई समझ आया यहां तक कि एक्चुअल में औसत होता क्या है। सभी को समझ आ गया भाई ऑनलाइन में कि एक्चुअल में किसको बोलते हैं औसत, क्या होता है औसत। अब दो पैटर्न पे प्रश्न चलेंगे, दो पैटर्न पे, दो वैरायटी के प्रश्न यहां पे बनेंगे। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बांटूंगा तो दो पैटर्न के प्रश्न बनते हैं, दो पैटर्न के, उन दो पैटर्न के प्रश्नों को देखते हैं अपन। तो मोटे मोटे तौर पे दो पैटर्न के प्रश्न बनेंगे, चलिए देखते हैं, दो पैटर्न पे प्रश्न बनेंगे। पहला पैटर्न ये है, पहला पैटर्न ये है, ये देखिए ये पहला पैटर्न है जहां पे आपको परिमाण लिखने हैं, ये पहला पैटर्न है जहां पे आपको परिमाण लिखने हैं, परिमाण लिखने हैं, उसके बाद उन परिमाणों का औसत निकालना है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या करके। तो परिमाण आपको लिखने हैं, उसके बाद सभी परिमाणों का औसत निकाल देना है। सेकेंड पैटर्न यह है जहां पे औसत आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जहां से अपन उत्तर निकालेंगे। तो फर्स्ट वेराइटी पे काम करते हैं, फर्स्ट वेराइटी पे पहले काम करेंगे। यहीं पर आगे चलकर माध्यिका का भी आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, माध्यिका मीडियन क्या संबंध होता है औसत का माध्यिका के साथ में, तो ये भी समझाऊंगा आगे चल के आपको। तो फर्स्ट वाले पैटर्न पे काम करेंगे जहां पे आपको परिमाण लिखने हैं, परिमाण लिखिए, उन परिमाणों का औसत निकालिए, ये चलने वाला है इसमें। औसत को ही माध्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी औसत को माध्य बोल देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, मीन, तो औसत को ही माध्य बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होना भाई। चलो अब आते हैं प्रश्नों में, प्रश्नों में आने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए जो कि अभी यूज होंगे। एक है गुणज जिसको बोलते हैं मल्टीपल्स, और एक होता है गुणनखंड जिसको बोलते हैं फैक्टर्स, ये बहुत सारे प्रश्नों में आएगा, गुणज और गुणनखंड। गुणज मतलब मल्टीपल्स और गुणनखंड मतलब फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोला 6 के गुणनखंड, जल्दी से बताओ तो 6 के गुणनखंड क्या क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 6, जल्दी से बताओ 6 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 6 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा भाई, ये गुणनखंड और गुणज बार बार प्रश्न में घूम फिर क्या आएगा भाई, 2 और 3 आएगा, 6 के गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 6, ध्यान दो, ठीक है, चलिए ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 6, 6 के गुणनखंड, तो 6 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा ध्यान दीजिए, 6 के गुणनखंड, देखो 6 के गुणनखंड का मतलब आप ऐसा करते हो कि 6 का गुणनखंड ये हो गया सर 2 और 3, तो ये 6 को तोड़ने का तरीका है भाई, कि 6 को आप तोड़ के लिख रहे हैं 2 × 3, 2 और 3 6 के गुणनखंड है, लेकिन 2 और 3 ही नहीं है बस, ये तो 6 को तोड़ने का तरीका है कि 6 को आप गुणनखंडों में तोड़कर लिखिए, तो ये तो तरीका 6 को तोड़ने का है, ये गुणनखंड बताने का तरीका नहीं है, ये 6 को तोड़ने का तरीका है, 6 को तोड़कर ऐसा लिखा जाता है। 6 के गुणनखंड का सिंपल सा मतलब आप समझना, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वे सब 6 के गुणनखंड में शामिल होंगे। तो 6 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से 2 से 3 से और 6 से, तो 6 के गुणनखंड में क्या क्या आएगा, 1, 2, 3 और 6,
जिससे जिससे छह भाग जाएगा, तो छह एक से भाग जाएगा, दो से भाग जाएगा, तीन से भाग जाएगा और छह से भाग जाएगा। तो छह जिससे जिससे भाग जाएगा वे सब छह के गुणनखंड में शामिल होंगे। तो छह भाग जाएगा एक से, दो से, तीन से, छह से। तो छह जिससे जिससे भाग जाएगा वे सब छह के गुणनखंड में शामिल होंगे। जैसे मैं बोला चार के गुणनखंड, अगर मैं बोला चार के गुणनखंड, तो चार किससे किससे भाग जाएगा, एक से, दो से और चार से। तो चार भाग जाएगा एक से, दो से और चार से। तो चार के गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक, दो और चार। एकदम सिंपल सा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बोला दो के गुणनखंड, तो दो किससे किससे भाग जाएगा, तो दो भाग जाएगा एक से और दो से। तो दो के गुणनखंड में कौन आएगा, एक और दो आएगा। तो गुणनखंड को लिखने का एकदम सिंपल सा तरीका समझना, जिससे जिससे छह भाग जाएगा वो छह के गुणनखंड, जिससे जिससे चार भाग जाएगा वो चार के गुणनखंड, जिससे जिससे दो भाग जाएगा वो दो के गुणनखंड। देखो एक तो सबके गुणनखंड में आएगा और वह संख्या स्वयं अपने की गुणनखंड होगी ही, वह संख्या स्वयं अपने की गुणनखंड होगी ही। तो एक तो सबके गुणनखंड में आएगा, देख सकते हैं, और वह संख्या स्वयं सब की, चाहे मैं छह की बात करूं, चाहे मैं चार की, चाहे दो की, तो वह संख्या स्वयं खुद की तो गुणनखंड होगी ही। तो छह के गुणनखंड में छह आएगा, चार के गुणनखंड में चार आएगा, दो के गुणनखंड में दो आएगा। गुणज क्या होता है, जैसे मैं बोला छह के गुणज, तो छह के गुणज का मतलब छह का टेबल को पढ़ दो, छह के गुणज का मतलब छह का पहाड़ा पढ़ दो। छह, बारह, अठारह, चौबीस, तीस, कितने होंगे, अनंत होंगे। ऐसा नहीं कि छह दहम साठ के बाद हमने पहाड़ा नहीं सीखा है, साठ के बाद छियासठ, बहत्तर, अठहत्तर, ये सब छह के गुणज ही होंगे। जैसे मैं बोला चार के गुणज, तो चार का पहाड़ा, चार का टेबल पढ़ दो, चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, ये सब होंगे चार के गुणज। अगर मैंने बोला दो के गुणज, तो दो के गुणज का मतलब दो, चार, छह, आठ, दस, ये होंगे दो के गुणज। तो गुणज क्या होता है, टेबल को पढ़ देना। और गुणनखंड का मतलब आपने समझा, छह के गुणनखंड मतलब जिससे जिससे छह भाग जाएगा, चार के गुणनखंड मतलब जिससे जिससे चार भाग जाएगा, दो के गुणनखंड मतलब जिससे जिससे दो भाग जाएगा। गुणज का मतलब छह के गुणज, छह का टेबल को पढ़ दो। चार के गुणज मतलब चार का टेबल को पढ़ दो। दो के गुणज मतलब दो का टेबल को पढ़ दो। समझ आ रहा है, छह का पहला गुणज छह एकम छह, छह का दूसरा गुणज छह दूनी बारह, छह का तीसरा गुणज छह त्रिका अठारह, छह का चौथा गुणज छह चौको चौबीस, छह का पांचवा गुणज छह पंच तीस, बन जाएगा, मल्टीपल्स बोलते हैं इसको। समझ आया भाई, बन जाएगा यहां तक, बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन लिखो। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो तीन के प्रथम पांच गुणज का, तीन के प्रथम पांच गुणज, तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत ज्ञात करें, तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत ज्ञात करें, तीन के प्रथम पांच गुणज। ये बेसिक प्रश्न करा रहा हूं, सारे वैरायटी के प्रश्न कवर होंगे। तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत ज्ञात करें, तीन के प्रथम पांच गुणज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ थ्री। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए भाई, तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत निकालना है आपको। नौ आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक। तीन के प्रथम पांच गुणज, तीन का पहला गुणज तीन, दूसरा गुणज छह, तीसरा गुणज नौ, चौथा गुणज बारह और पांचवा गुणज पंद्रह। तो तीन के प्रथम पांच गुणज, तो तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत ज्ञात करना है। तो सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। अभी फिलहाल औसत का आपके पास एक ही फॉर्मूला है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों का योग पैतालीस बटा परिमाणों की संख्या पांच, औसत कितना आएगा, नौ। आप बोलेंगे सर यहां पर हम ऐसा कर सकते थे, तो यहां पर कर सकते थे, आगे चलकर बताऊंगा ऐसा कब और क्यों करना है। सर यहां पर सीधे बीच वाले पद को औसत बोल सकते थे, तो यहां पर बोल सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी दिमाग मत लगाओ, आगे चल के पूरा कारण के साथ बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, कब ऐसा होता है।
अभी आपके पास औसत का एक ही फॉर्मूला है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो परिमाण लिखना पड़ेगा आपको खुद से, लिख के नहीं देगा आपको, ऐसा देगा तीन के प्रथम पांच गुणज, तो तीन के प्रथम पांच गुणज लिखिए, तीन के प्रथम पांच गुणज का औसत तो सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या बन जाएगा। अगला प्रश्न लिखिए, 48 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, 48 के सभी गुणनखंडों का, 48 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 48, 48 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। बनाइए भाई, 48 के कितने गुणनखंड आएंगे पहले देख लो, कितने गुणनखंड आ रहे हैं 48 के देख लेना भाई, 48 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालने बोला है। उज्जवल 5.5 आ रहा है, कितने गुणनखंड आ रहे हैं उज्जवल, 48 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, सबका अलग अलग कैसे आ रहा है यार। शुभम 4, अपूर्व 2, 48 के सभी गुणनखंडों का, पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ 48 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 48 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 7, 8, 9, अरे सही सही सोचो भाई, किरण साहू प्राची 10 आएगा भाई 10, सोचो ये गलती होगी, प्रश्न आसान है लेकिन एक भी परिमाण छूटा तो आंसर चेंज हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, गलती मत करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 48 जिससे जिससे भाग जाएगा सब 48 के गुणनखंड होंगे, तो 48 किससे किससे भाग जाएगा देखो ना यार, 48 जिससे जिससे भाग जाएगा, 48 किससे किससे भाग जा रहा देख लो, 48 जिससे जिससे भी भाग जाएगा सब 48 के गुणनखंड होंगे, 10 गुणनखंड आ रहे होंगे, ठीक 10 आ रहे होंगे, अब उन सभी को जोड़ो, डिवाइड बाई 10 करो, औसत का एक ही तरीका, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग करो बटे परिमाणों की संख्या करो, 12.4 आ रहा है क्या, सभी परिमाणों का योग 124 आ रहा होगा, सभी परिमाणों का योग 124, 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए फिर 12.4, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूं कमेंट 12.4 आएगा। सारे वैरायटी के प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे, चिंता मत करना भाई, सारे वैरायटी के प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे, 12.4 बहुत बढ़िया। देखो 48 के सभी गुणनखंडों का औसत, तो 48 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 48 के गुणनखंड, तो 48 के गुणनखंड क्या क्या होंगे ध्यान से देखना, 48 के गुणनखंड, एक 48 का गुणनखंड होगा एक से भाग जाता है, दो भी होगा दो से भाग जाता है, तीन भी होगा तीन से भाग जाता है, चार भी होगा चार से भाग जाता है, छह भी होगा छह से भाग जाता है, आठ भी होगा आठ से भाग जाता है, नौ नहीं होगा दस नहीं होगा, ग्यारह नहीं होगा, बारह होगा बारह से भाग जाता है, सोलह होगा सोलह से भाग जाता है ये, अब चौबीस होगा चौबीस से भाग जाएगा, अब चौबीस के बाद सीधे 48 होगा, तो ये है 48 के गुणनखंड, 48 किससे किससे भाग जाएगा, एक दो तीन चार छह आठ बारह सोलह चौबीस 48, तो 48 इन संख्याओं से भाग जाएगा, तो ये संख्याएं 48 के गुणनखंड में शामिल होंगी। अब इनका औसत निकालना है, तो यहाँ पे सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या कर दो, यहाँ पे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो लगेगा भी नहीं, यहाँ पे बीच वाला पद औसत बनेगा भी नहीं, तो यहाँ पे एक ही तरीका काम आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी मेरे हिसाब से चलो, अभी एक ही तरीका अप्लाई करो, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, आगे चल के सारी बातें बताऊंगा भाई, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, 40 और ये 60, 100 हो जाएगा, 48 और 12 60 और ये दोनों 40, 60 और 40 हो गया 100, 100 और 8 108, 114, 118, 119, 121 और 124, 124 को 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 124 को 10 से भाग देंगे
एक अंक के बाद दशमलव सेट कर दीजिए, बन जाएगा गुणनखंड और गुणज। ये लिखना आपको आना चाहिए। ये देखो गुणज अनंत होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज अनंत होते हैं, इसीलिए बोला प्रथम पांच, ऐसा बोला देखिए प्रथम पांच, क्योंकि तीन के गुणज, तीन के गुणज तो बहुत सारे होंगे यार, ये देखो तीन के गुणज तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ये देखो चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इसीलिए बोलेगा गुणज के केस में बोलेगा तीन के प्रथम पांच गुणज, तीन के प्रथम छह गुणज, ऐसा बोलेगा। लेकिन गुणनखंड में ऐसा नहीं बोलेगा, गुणनखंड सारे आपसे लिखवाएगा, सारे गुणनखंड आपसे लिखवाएगा। तो 48 के गुणनखंड का मतलब 48 किससे किससे भाग जाएगा, तो सावधानी रखेंगे एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से, आठ से, बारह से, सोलह से, चौबीस से, अड़तालीस से, इन सब का औसत निकालो। ये परिमाण है, इनका औसत निकालो, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग, सारे परिमाणों को जोड़े डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या, 124 को 10 से भाग देंगे एक अंक के बाद दशमलव सेट कर दीजिए। अब एक जो प्रश्न बनता है ना वो अभाज्य और भाज्य संख्या को लेकर के बनता है, तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं डेफिनेशन के पीछे नहीं जा रहा हूं, ये चैप्टर्स मेंशन ही नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो जहां पे आवश्यकता पड़ रही है वहां पे मैं चीजें आपको समझा रहा हूं। जैसे मैं जो मैथ्स का पूरा कोर्स होता है उसमें संख्या से स्टार्ट करता हूं, वहीं पे ये सब बताता हूं कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो सब। अब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा तो एक महीना तो उसी में लग जाएगा और वहां से प्रश्न एक भी नहीं आने वाला। तो जहां पे जिस बात की आवश्यकता पड़ेगी ना वहां पे मैं समझा रहा हूं, और बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, जैसे गुणज और गुणनखंड कभी नहीं भूलेंगे आप, वैसे ही एकदम आसान भाषा में समझना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी से भी भाग ना जाए, किसी से भी भाग ना जाए, और भाज्य संख्या मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए, जो किसी से भी भाग चली जाए, जो किसी से भी भाग चली जाए। अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, और भाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। तो अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भाग ना जाए, और भाज्य संख्या का मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। तो अभाज्य मतलब जो किसी से भाग ना जाए, और भाज्य का मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। अब एक बात समझो, एक ना तो अभाज्य में आएगा ना ही भाज्य में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा मैं स्टैंडर्ड परिभाषा के पीछे नहीं जा रहा हूं भाई, स्टैंडर्ड परिभाषा में क्या पढ़ते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो वो सब परिभाषा में नहीं जा रहा हूं मैं। अभाज्य नाम से ही क्लियर है, जो किसी से भाग ना जाए, और भाज्य मतलब जो किसी से भी भाग चली जाए। आप ऐसा पढ़े होंगे ना, जो खुद से भाग जाए और एक से भाग जाए उसको बोलते हैं अभाज्य। अब खुद से तो सब जाएंगे ना यार, उससे थोड़ी भाग देके अपन देखेंगे, और एक से भी सब जाएंगे। तो खुद से कभी भाग देके देखते हो क्या, नहीं देखते हो ना यार। एक से कभी भाग देके देखते हो क्या, नहीं देखते हो। तो खुद से और एक से कभी भाग देकर देखते ही नहीं हो आप। जैसे मैं बोला 17 किसी से भाग जाएगा क्या, मैं बोला आपको 17 किसी से भाग जाएगा क्या, तो आप बोलोगे 17 से जाएगा सर, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ यार। 17 एक से जाएगा सर, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ यार। अगर मैं आपसे पूछा कि 17 किसी से भाग जाएगा क्या, तो आपने बोला 17 तो 17 से जाएगा सर, 17 से जाएगा, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ यार। मैं बोला बताओ 23 किसी से भाग जाएगा क्या, तो आप बोले 23 से जाएगा सर, 23 एक से जाएगा सर, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। खुद से कभी भाग देकर आप नहीं देखते हैं किसी भी संख्या को, एक से कभी भाग देकर नहीं देखते किसी भी संख्या को, क्योंकि एक से तो सब संख्याएं भाग जाती हैं और खुद से भी सारी संख्याएं भाग जाएंगी। तो खुद से और एक से कभी भाग देकर आप नहीं देखते हैं, इसीलिए इसको छोड़ो। सबसे आसान परिभाषा, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। जो किसी से भी भाग चली जाए भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो जो किसी से भी भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी भाग चली जाए वो भाज्य। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। अब समझना, दो किसी से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, अभाज्य।
तीन किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा अभाज्य। चार दो से भाग जाएगा सर भाज्य। पांच किसी से भाग नहीं जाएगा सर अभाज्य। छह दो से भाग जाएगा सर भाज्य। सात किसी से भाग नहीं जाएगा सर अभाज्य। आठ दो से जाएगा सर भाज्य। नौ तीन से जाएगा सर भाज्य। दस दो से जाएगा सर भाज्य। ग्यारह किसी से नहीं जाएगा सर अभाज्य। बारह दो से जाएगा सर भाज्य। तेरह किसी से भाग नहीं जाएगा सर अभाज्य। चौदह दो से जाएगा भाज्य। पंद्रह तीन से जाएगा भाज्य। किसी से भी भाग गया तो भाज्य बोल देना, किसी से भी भाग नहीं गया तो अभाज्य बोल देना। खुद से तो भाग अपन देते ही नहीं किसी को, एक से भी भाग किसी को देते ही नहीं अपन चेक करते टाइम। तो सबसे आसान परिभाषा है जो किसी से भाग ना जाए, किसी से भी भाग ना जाए वो कहलाएगी अभाज्य। जो किसी से भी भाग चली जाए वो कहलाएगी भाज्य। दो किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तीन किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चार दो से भाग जाएगा। पांच किसी से भाग नहीं जाएगा। छह दो से जाएगा। सात किसी से नहीं जाएगा। आठ दो से जाएगा। नौ किसी से जाएगा क्या? तीन से जाएगा। दस दो से जाएगा। ग्यारह किसी से नहीं जाएगा। बारह दो से जाएगा। तेरह किसी से नहीं जाएगा। एकदम आसान है यार, जो किसी से ना जाए उसको भाज्य सॉरी अभाज्य बोलना, और जो किसी से भी चली जाए उसको भाज्य बोलना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लिख पाओगे? सबसे आसान परिभाषा समझा रहा हूं, अभी उतना समय नहीं है कि पूरा मैं इसको एक लेक्चर में पूरा समझाऊं, लेकिन सबसे आसान जो सार है ना अभाज्य और भाज्य का वो समझा दिया। एक ना तो अभाज्य होगा ना ही भाज्य होगा, ध्यान रखिएगा। खुद से और एक से जो भाग जाए, किसी और से ना जाए, उसी को अभाज्य बोलते हैं। तो खुद से तो सब जाते हैं यार, उसको छोड़ो ना यार। एक से तो सब जाते हैं, उसको छोड़ो। आप सबसे आसान परिभाषा बोलो, जो किसी से भाग ना जाए वो अभाज्य, जो किसी से भी चला जाए वो भाज्य। चलो क्वेश्चन लिखो। एक 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत 39.8। कुछ डाउट है क्या अरुण कुमार आपको? प्रकृति कुछ डाउट है क्या आपको भी? फैक्टर्स बताया आसान भाषा में, 10 के फैक्टर्स मतलब 10 किससे किससे डिविजिबल है, एकदम सिंपल भाषा में 10 के फैक्टर्स मतलब 10 किससे किससे डिविजिबल है, एक से, दो से, पांच से और 10 से। 10 के मल्टीपल्स मतलब 10 का टेबल पढ़ो, 10 के रास्ते में जो जो आएगा वो 10 के मल्टीपल्स, एकदम सिंपल भाषा में ये ठीक है प्रकृति। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखो भाई, 30 और 50 के बीच जो अभाज्य संख्याएं आती हैं, बहुत बढ़िया। अभाज्य, अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग ना जाए। देखो 30 और 50 के बीच 31 किसी से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अभाज्य। 32 दो से जाएगा, छोड़ दो, किसी से भी गया ना छोड़ देना। 33 तीन से जाएगा, छोड़ दो। 34 दो से जाएगा, छोड़ दो। 35 पांच से जाएगा, छोड़ दो। 36 दो से जाएगा, छोड़ दो। 37 किसी से नहीं जाएगा। 38 दो से जाएगा, छोड़ दो। 39 तीन से जाएगा, 39 तीन से जाएगा, 13 से जाएगा, छोड़ दो। 40 दो से जाएगा, छोड़ दो। 41 किसी से नहीं जाएगा, पकड़ लो। 42 दो से जाएगा, छोड़ दो। 43 किसी से नहीं जाएगा, पकड़ लो। 44 दो से जाएगा, छोड़ो। 45 तीन से जाएगा, पांच से जाएगा, छोड़ो। 46 दो से जाएगा, छोड़ो। 47 किसी से नहीं जाएगा, पकड़ लो। 48 दो से जाएगा। 49 सात से जाएगा। तो ये पांच संख्याएं 30 और 50 के बीच मुझे प्राप्त हुई जो किसी से भाग नहीं जा रही है, इनका औसत निकालो। अभी फिलहाल एक ही तरीका, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा दो करोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा अभी वो सब मत सोचो। अभी केवल एक ही तरीका,
सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या जो कि हर जगह पे वैलिड है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 199, 199 को 5 से भाग दीजिए, 5 तिरिका 15, 5 नवा 45, 4 बचा दशमलव का 0, 5 अट्ठे 40। तो ऐसे भाग आपके लिए ही दे रहा हूं मैं, ताकि डाउट ना रहे कि भाग कैसे दिए हो सर। 39.8 पांच से भाग दे रहा था, कितना पकड़ा 19, 5 तिरिका 15, कितना बचा 4, यहां से कितना नीचे आया 9, 5 नवा 45, 4 बचा, यहां से दशमलव लगाए 0 उतारे, 5 अट्ठे 40, 39.8 आ जाएगा। बनेगा यहां तक सभी से, कोई डाउट तो नहीं है? अभाज्य और भाज्य संख्या समझ आया? तो जिन बातों की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो सारी बातें मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, उसका चिंता बिल्कुल मत करना। जिन जिन बातों की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी बातें आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। गुणनखंड और गुणज की आवश्यकता पड़ी आपने समझा, अभाज्य और भाज्य संख्या की आवश्यकता पड़ी आपने समझ लिया। इसी प्रकार कुछ और संख्याओं की आवश्यकता भी पड़ेगी आगे चल के, उन संख्याओं को भी साथ साथ में समझाते चलूंगा। प्रॉपर नोट्स बना लो, इसी को रटो, इसी को याद करो, इसी को बार बार लगाओ, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, प्रैक्टिस सीट आपको दूंगा मैं। को प्राइम नंबर अलग होता है उज्जवल, वो एलसीएम एचसीएम पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। को प्राइम नंबर, इसको सह अभाज्य बोलते हैं, को प्राइम नंबर अलग चीज है। दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 आए, कहने का मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दो संख्याओं का ऐसा पेयर जिसमें कुछ भी कॉमन ना निकले, उस पेयर को बोलेंगे आप को प्राइम नंबर, उस जोड़े को बोलेंगे आप सह अभाज्य संख्या। तो ये आगे चल के आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब कॉमन एक, मतलब एचसीएफ 1, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे 4 और 7 ये पेयर कहलाएगा को प्राइम, जैसे 2 और 3 ये पेयर कहलाएगा को प्राइम, 3 और 5, जैसे 3 और 8, ये पेयर्स जो आप देख पा रहे हैं ये कहलाएंगे को प्राइम। आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी बाकी लोग इस पे ध्यान मत देना। जयंती वो आपके नहीं आएगा उसमें, छोटी छोटी संख्याएं तो है जयंती, 30 और 50 के बीच की संख्याएं तो पता कर लोगे ना यार, बड़ी संख्या तो मैं खुद ही नहीं बोल रहा आपको क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है बेसिक चैप्टर्स, लेकिन छोटी छोटी संख्याएं पता करनी तो आपको आनी चाहिए। 31 किसी से भाग जाएगा क्या, सोचो ना, किसी से नहीं जाएगा भाई। 37 किसी से नहीं जाएगा, 41 43 47 किसी से जो भाग नहीं जाएगा वही क्या है, अभाज्य। किसी से भी भाग गया 32 2 से जाएगा, 33 3 से जाएगा, 34 2 से जाएगा, 35 5 से जाएगा, 36 2 से जाएगा, किसी से भी गया ना तो वो अभाज्य नहीं हो सकता, किसी से नहीं जाएगा वो कहलाएगा अभाज्य। तो छोटी छोटी संख्याएं हैं बन जाएगा। यहां पे एक डाउट था किसी बच्चे का कि बड़ी संख्या अगर दे दिया, जैसे 48 के गुणनखंड बोला तो हमने निकाल दिया सर, बड़ी संख्या दे दिया तो गुणनखंड में गलतियां होंगी, तो बड़ी संख्या बहुत ज्यादा नहीं देगा आपको, दो अंकों की संख्या ही रखेगा अगर प्रश्न आए तो, बड़ी संख्या यहां पर नहीं देगा वरना वो प्रश्न व्यवहारिक ही नहीं होगा। अब मैं आपको बोला 1296 के गुणनखंडों का औसत निकालो, मत निकालना भाई, ये व्यवहारिक प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न आएगा ही नहीं, तो संख्या छोटी ही रहेगी वहां पर, ये व्यवहारिक ही प्रश्न नहीं है। फिर 1296 के गुणनखंड निकालने बैठोगे तो फिर पूरा पेपर में यही बन पाएगा बस। चलो यहां तक पढ़ लो, इसके आगे का अपन देखेंगे फिर अगले क्लास में, इसको पढ़ के आना अगले क्लास में और कंसेप्ट को सीखेंगे, समांतर श्रेणी के कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, माध्यिका के कंसेप्ट सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास, बहुत सारी चीजें। शिल्पी, शिल्पा क्या नाम था आपका, देखा नहीं मैं, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा अगर आप लेट जुड़े हैं तो, अप्रूवल थोड़ा लेट मिला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार फोन कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक थोड़ा अप्रूवल दिया जाता है देख ताक के सब कुछ को, तो लेट जुड़े हैं तो रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।